तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ होप कि बहुत अच्छे होंगे। जैसे दोस्तों आज हम आपको बता दें कि गाड़ी का हम रिव्यू देने वाले हैं। दोस्तों ये हमारी गाड़ी चल चुकी है, आइए हम आपको दिखा देते कितना चल चुकी है। मेरी गाड़ी टोटल चल चुकी है 5230 किलोमीटर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो मेरी गाड़ी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं 5230 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, और इसमें कितना खर्चा आया है, क्या आया है, वो हम आपको डिटेल में ये बताने वाले हैं कि हमें इसमें कितना कितना खर्चा लगा है, क्या क्या चेंज करवाना पड़ा है, क्या क्या नहीं चेंज करवाना पड़ा है, जो भी मतलब इसमें खर्चा आया है ऑफकोर्स हम आपको पूरा गिनती करवा देते हैं। तो पहले दोस्तों इस गाड़ी को हम लोग देख लेते हैं। ये गाड़ी को लुक वाइज तो मतलब परफेक्ट है, मतलब नो डाउट, मतलब अच्छी है। 1,20,000 में ये गाड़ी अच्छी है। मतलब अभी इसके NS है, राइडर है, SP है, इसके कंपेरिजन में मतलब ये लुक वाइज थोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि SP भी जो है अपने को मतलब वो क्या देखते हैं, वो अभी सिंपल सी बाइक लगती है। अगर ये लुक वाइज में देखा जाए तो ये अच्छी लगती है। हाँ, अगर आपको दो लोग घूमना है तो एक बाइक सही है दो लोगों के लिए। अगर तीन लोग घूमते हैं तो इस पे बाइक पे मज़ा नहीं आता है। हाँ, अगर फैमिली को लेके घूमना है तो उसके लिए राइडर है, SP है, फिर NS भी नहीं है। NS और ये एक्सट्रीम, ये दोनों फैमिली के लिए नहीं है। फैमिली के लिए सिर्फ और सिर्फ SP और राइडर, क्योंकि राइडर में सिंगल सीट आता है। सिंगल SP में जो कि आप लोग देखते हैं कि सिंगल सीट आता है, इसमें डबल सीट आता है। एक ये अलग है, ये अलग है। तो दोस्तों इसमें तीन लोग बैठने में मुश्किल होता है, सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं। तो जिसको अगर फैमिली के लिए लेना हो तो ये फैमिली के लिए गाड़ी सही नहीं है, अगर ट्रिपल लोडिंग लेके घूमना हो तो। इसकी ये खासियत है। बाकी लुक वाइज तो ये मतलब गाड़ी बिल्कुल इस रेंज में, मतलब इस रेंज में इसको मात देने वाली कोई भी नहीं है। अगर NS का भी भाव देखने जाओ तो इससे ज़्यादा है, इससे NS का ज़्यादा है। 1,30,000 के आसपास वो पड़ती है। राइडर का इसके भाव कुछ आसपास है, SP का इसके भाव कुछ आसपास है। बट ये भाव का देखते हो तो लुक वाइज ये जो सीटिंग है ना, ये सीटिंग जो कि मतलब मेरे को अच्छा लगता है ये वाला सीट। क्यों? क्योंकि मेरे को फैमिली के लेकर घूमना नहीं रहता। जिनको फैमिली के लेकर घूमना रहता है उनके लिए वो SP है और राइडर है। राइडर में दो आता है, राइडर में भी दो सीट आता है और सिंगल सीट भी आता है। उसमें दो वैरायटी है, इसमें नहीं है। इसमें अगर ABS नॉन ABS लेने जाओ ना, डिस और नॉन डिस, तो उसमें सेम ही सीट मिलेगा, सिर्फ सीट डिस नहीं रहेगा। आगे वाला ये डिस हटा देगा, उसमें ये डिस नहीं रहेगा। और रही बात इसकी इंजन की, सबसे बड़ी बात कि इसमें तो देखो अभी तक मेरे को कोई ज़्यादा खर्चा लगा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑयल दो बार चेंज करवाया हूँ, दो बार सर्विस में, बाकी दूसरा कोई चीज़ खर्चा लगा नहीं है अभी तक मेरे, जब से मैं गाड़ी लिया हूँ। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो इंजन है ना, इधर आओ। बहुत लोगों की, मैं सर्विस देने गया था तो मतलब गाड़ी अपने सर्विस देने गया था तो उन लोगों का यहाँ से ऑयल टपक रहा था, यहाँ से ये सबसे ऑयल मतलब बाहर आ रहा था, जो कि यहाँ से देख सकते हो कि थोड़ा सा मतलब ये मेरा ऑयल नहीं है बाकी ऐसे ही है। तो उन लोगों का मतलब पीस में थोड़ा नुकसानी है। तो ये सारे पीस ऐसे नहीं है कि सब में मतलब खराबी हो, मतलब कोई कोई पीस में से निकल जाता है। मैं जब दो बार सर्विस करवाने गया तो हर दोनों बार 3-4 गाड़ी थी कि जिसमें कुछ ना तो कुछ डिफॉल्ट आया ही था। अभी तक मेरे गाड़ी में तो कोई ऐसा डिफॉल्ट नहीं आया है, ना अभी मैं सोचता हूँ कभी आएगी। और इसकी इंजन बहुत हीट होती है, मैं दोनों सर्विस में बताया कि इसकी इंजन हीट होती है। तो लोग बोलते हैं कभी थोड़ी नया टेक्नोलॉजी है, थोड़ा आगे जाएगा इसको शॉर्ट कर देंगे हम लोग, कि मतलब कैसे हम लोग इसको ठंडा करें। क्यों? क्योंकि अभी गाड़ी ये थोड़ा सा भी इसको हाईवे पर अगर एक्सलेटर पर चलो ना तो तुरंत मतलब बहुत हीट हो जाती है। इंजन में से थोड़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, मतलब कुछ इंजन ज़्यादा आवाज़ करने लगता है, कुछ अलग सा मतलब खर्र, तो मतलब जब चलने लगते हैं ना तो कुछ अजीब सा आवाज़ आने लगता है इसका। जो एक्सट्रीम लिए होंगे उनको ये बात पता होगा कि इसका आवाज़ चेंज हो जाता है ज़्यादा। अगर इंजन गर्म हो जाए ना तो इसका ज़्यादा एक्सलेटर पर चलने पर इसका इंजन कुछ और आवाज़ करने लगता है। बाकी सब तो दोस्तों हमारे नज़र में तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है। अभी हमने अभी तक कुछ भी इसका चेंज नहीं करवाया है, सिर्फ और सिर्फ ऑयल चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। जो कि ये अभी मतलब गाड़ी मेरी बेस्ट कंडीशन में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अभी हमने गाड़ी आपको बता दिया तकरीबन। दोस्तों हम ये गाड़ी चलाते हैं तो सारे के सारी, अगर ये 5230 किलोमीटर गाड़ी चली है तो सारे ये सारी मैं ही ड्राइव किया हूँ। गाड़ी अपने चलाना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही किसी को देना चाहिए, बाकी अदर पर्सन को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी भी सेफ रहती है। अगर हम किसी को देते हैं ना तो अपना समझ के नहीं, गैर समझ की गाड़ी चलाता है। चलना किसी गाड़ी लिए हैं चला लेते हैं हम, खराब होगी तो मेरा क्या जाएगा, वो तो मान लो जैसे तैसे करके चला लेगा,
जब खुद लेके जाओगे ना तो ये ख़राब निकलेगा, वो ख़राब निकलेगा, इसलिए गाड़ी लो तो अपने खुद सेफ्टी से चलाओ। सेफ्टी रहेगी तो गाड़ी आपकी रहेगी, वरना नहीं रहेगी। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी गाड़ी कुछ अच्छा ओपिनियन रहा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।